अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स पिछले मॉड्यूल में हमने सोशल एंटरप्रेन्योरियल मोटिवेशन की बात की इन टर्म्स ऑफ बैकग्राउंड एंड कंटेंट बैकग्राउंड के हवाले से हमने कहा कि कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं लोगों की सोशलाइजेशन के अंदर उनकी परवरिश के अंदर जो उन्हें एक ख़ास किस्म की शख्सियत देते हैं जिसका झुकाव सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ होता है कि वो किसी सोशल मिशन को ऑप्ट करें कंटेंट जो है उनका आज है कंटेंट वो मिलियो है जिसके अंदर सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो सोशल प्रॉब्लम से एक्सपोज होते हैं अपने सर्टन बैकग्राउंड करेक्टरिस्टिक्स के साथ जहाँ उन्हें समझ आती है कि ये प्रॉब्लम है और इसको हमारे अंदर जो कैपेसिटी है हमारे अंदर जो काबिलियत है हमारा जो बैकग्राउंड है उसकी मदद से हम हल कर सकते हैं कंटेंट से मुराद वो कॉन्टेक्स्ट है जिसके अंदर लोग मुख्तलिफ इश्यूज को देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल आप ह्यूमन uh, राइट्स के वायलेशन के हवाले से अखबार में पढ़ते हैं या आपकी कम्युनिटी में कोई गैंग वॉर्स हो रही हैं या आप किसी वॉलेंटियर करते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ फ्लड में किसी और ऐसे नेचुरल डिज़ास्टर में या किसी प्रॉब्लम के दौरान तो आप वो उस कॉन्टेक्स्ट में उस कंटेंट में अपने आप को रख कर ये देखते हैं कि क्या आप इस सोशल मिशन को एक्सेप्ट कर सकते हैं इसको चैलेंज के तौर पे ले सकते हैं इसको सॉल्व कर सकते हैं दो चीज़ें जो हैं वो कंटेंट के हवाले से इम्पोर्टेंट हैं एक परसीव्ड डिजायरेबिलिटी और एक फिजिबिलिटी परसीव्ड डिजायरेबिलिटी से मुराद है कि सोशल एंटरप्रेन्योर जो है वो देखता है कि इस काम को करना कितना एट्रैक्टिव है जो इशू है वो उसे कितना एट्रैक्ट करता है कि उसे उसको हल करने के लिए वो मोटिवेटेड फील करे दुनिया में बेशुमार मसाइल हैं हमारे इर्द गिर्द डेली बेसिस पे जिनमें से ख़ुद हम कुछ से मुता होते हैं कुछ से हमारे बहुत करीबी लोग मुतासर होते हैं और कुछ ज़रा हमसे डिस्टेंस पर होते हैं लेकिन हम उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं उनके बारे में जानते हैं और ख़ास तौर पर आज के सोशल मीडिया के दौर में जिस तरह मसाइल हाई होते हैं ट्रेंड्स बन जाते हैं तो अपने आप को मसलों से आप अलग नहीं रख सकते लेकिन कौन सा मसला आपको अट्रैक्ट करता है किसी सोशल एंटरप्रेन्योर को अट्रैक्ट करता है कि ये वो चीज़ है जो मैं करना चाहता हूँ और जिसको करना जो है वो मेरे लिए मीनिंगफुल है मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ दैट इज़ परसीव्ड डिजायरेबिलिटी एट्रैक्टिवनेस ऑफ स्टार्टिंग अ सोशल एंटरप्राइज दूसरी चीज़ जो है वो फिजिबिलिटी है ठीक है आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको तकलीफ देते हैं और अट्रैक्टेड होते हैं कि मैं इनको हल करने के लिए कुछ करूं लेकिन सोशल एंटरप्रेन्योर को साथ ही अपने आप से क्वेश्चन करना होता है उसका कंटेंट उससे तकाजा करता है कि क्या मेरे में वो कैपेसिटी वो कैपेबिलिटी है मेरे पास वो रिसोर्सेज हैं जिनसे या मैं वो रिसोर्सेज जनरेट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ जिससे मैं इस प्रॉब्लम को हल कर सकूँ यानी फिज़िबिलिटी क्या है इस प्रॉब्लम के हल करने की और उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के कंटेंट्स शामिल हैं इंटरनल कंटेंट्स जो हैं उसमें सोशल एंटरप्रेन्योर की अपनी कैपेसिटी कैपेबिलिटी उसका जो आ, उसके अंदर सलाहियत या स्किल्स या उसका बैकग्राउंड है वो शामिल है और एक्सटर्नल फैक्टर्स के रिसोर्स कहाँ से और कितने मिल सकते हैं अपॉर्चुनिटीज़ क्या अवेलेबल हैं इस मसले को हल करने के लिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसकी फिजिबिलिटी में आ जाती हैं ये दो चीज़ें मिलकर वो कंटेंट फ्राहम करती हैं सोशल एंटरप्रेन्योर को जो उससे डिसाइड करवाता है उसे मोटिवेट करता है कि वो इस काम को इस चैलेंज को इस सोशल मिशन को अडॉप्ट करे और उसको लेकर चले हता वो उसको रिजॉल्व कर ले या उस प्रॉब्लम की इंटेंसिटी जो है उसको रिड्यूस कर दे अब कॉन्टेंट जो है ये बैकग्राउंड फिर भी कुछ सर्टन करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं लोगों के अंदर लेकिन कंटेंट जो है वो काफ़ी एक फजी कॉन्सेप्ट है और डिपेंडेंट हैं बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर बहुत सारे दीगर चीज़ों के ऊपर जिसको मैंने एक्सटर्नल फैक्टर कहा फॉर एग्जांपल आप अट्रैक्टेड फील करते हैं किसी सोशल प्रॉब्लम के हवाले से जब आप ख़ुद उससे मुतासर हो रहे हैं लेकिन लेस अट्रैक्टेड होते हैं जब कोई और या दूर पार कहीं वो प्रॉब्लम जो है वो कर रहा हो इसी तरह आप कैपेसिटी या स्किल रखते हैं एक मसले को किसी ख़ास डायमेंशन से एड्रेस करने के लिए लेकिन उसकी दीगर डायमेंशन फॉर एग्जांपल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर लीगल इश्यूज फाइनेंसेस वो आपकी स्किल नहीं है तो ऐसे में ये फैक्टर्स जो हैं वो थोड़ा फजी एक तरह का कॉन्सेप्ट जो है वेक कॉन्सेप्ट बन जाता है जो चेंज होता रहता है ऐसे में सोशल एंटरप्रेन्योर्स जो एक्सपीरियंस सोशल एंटरप्रेन्योर्स हैं जब उनसे कंटेंट या कॉन्टेक्स्ट के हवाले से बात की गई कि बैकग्राउंड और कंटेंट में क्या आता है तो कंटेंट के हवाले से बिल ड्रेटन अशोका के जो फाउंडर हैं उन्होंने एक बड़ी ख़ास बात की जिसको अब कई सालों से कोट किया जाता है ही सट के सोशल एंटरप्रनील क्वालिटी होती है लोगों के अंदर जो कि उनको बाक़ी लोगों से मुमताज़ करती है उनको डिस्टिंग्विश करती है और जब उनसे पूछा गया कि ये एंटरप्रन्योरियल क्वालिटी जो है उससे उनकी क्या मुराद है तो उन्होंने कहा ये वो मोटिवेशन है जो एक दफ़ा या एक वक्त या एक काम के लिए नहीं होता बल्कि ये वो मोटिवेशन है ये वो पैशन है जो थ्रू आउट कायम रहता है जो आपको चैन से बैठने नहीं देता जो कि हज़ारों लाखों एंटरप्रन में से किसी एक दो में होता है कि वो एक सोशल मिशन जो उनसे रिलेटेड है या नहीं है उसको वो पिकअप कर लें उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लें और फिर उनकी राह में जो भी प्रॉब्लम्स आए जो भी उनको सेक्रीफाइस करना पड़े जिस तरह की भी नेटवर्किंग करना पड़े वो उसको लेके चलते हैं और थ्रू आउट वो क्वालिटी जो है उनकी वो उनके साथ रहती है वो परसिस्टेंट रहते हैं वो कायम रहते हैं वो एफर्ट नहीं छोड़ते वो दिल छोड़ा नहीं करते वो डिसक्रेज फील नहीं करते नाकामियों से बल्कि वो हर नाकामी को एक लेसन लर्निंग की अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं और ये चीज़ें जो हैं वो कंटेंट फ्राहम करती हैं जो कि एक सोशल एंटरप्रेन्योर को मोटिवेट करता है और रखता है कि वो सोशल इश्यूज़ को अडॉप्ट करें और उनको हल करने की कोशिश करें थैंक यू